पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के परियोजना हेतु पीएनबी के द्वारा आज इस ऋण स्वीकृति के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, अपर मुख्य सचिव गृह और सीओ यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस पी गोयल जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी, पीएनबी के मुख्य महाप्रबंधक श्री साहद, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और अन्य संस्थाओं से उपस्थित सभी अधिकारीगण, देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिन अपार संभावनाओं से भरा पड़ा था और वर्षों से देश की सबसे सघन आबादी के इस भूभाग को जिस बात की तमन्ना थी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन में जिस तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य प्रारंभ हुए हैं, उन्हीं की श्रृंखला है प्रदेश में एक्सप्रेस वेज का नया जाल बिछना। वर्तमान में हम लोग 3 एक्सप्रेस वे पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, चौथा एक्सप्रेस वे जो संभवतः देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनेगा, वह मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे की डीपीआर की कार्रवाई हमारी अंतिम चरणों में चल रही है। इस वर्ष के अंत तक भूमि अधिग्रहण की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए हमारा प्रयास होगा कि अगले वर्ष के प्रारंभ में हम गंगा एक्सप्रेस वे के कार्य को भी द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। ये एक्सप्रेस वे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मील के पत्थर साबित होंगे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और युगों युगों से आर्थिक विकास की जो एक तमन्ना थी उसको आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होंगे। आज की आवश्यकता है, आज जब दुनिया में निवेश को लेकर के एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है, तो स्वाभाविक रूप से इस नई प्रतिस्पर्धा में कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का अपना एक महत्व है। साथ ही साथ निवेश अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में शासन प्रशासन की टीम ने जो कार्य किया है, इसके साथ ही कनेक्टिविटी बेहतर हो इसके लिए भी प्रदेश में पिछले 3 वर्ष के दौरान बहुत अच्छे कदम उठे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा पंजाब नेशनल बैंक को,
जिन्होंने हम सबके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लीड बैंक के रूप में अपनी सहभागिता बड़ी मजबूती के साथ निभाई है और आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ भी वे जुड़ रहे हैं। गोरखपुर मेरा कर्म क्षेत्र रहा है और मैं इस बात को देखता हूं कि जो अपार संभावनाएं वहां पर हैं। हम जब गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर का मतलब केवल एक जनपद या एक महानगर नहीं है। मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद रहा हूं और मैंने इस बात को अनुभव किया है कि गोरखपुर का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई को लेकर के हम देखें तो लगभग 5 करोड़ आबादी की स्वास्थ्य का, शिक्षा का, व्यापार और रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर है। इतनी बड़ी आबादी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की दृष्टि से अगर हम देखें तो केवल लखनऊ गोरखपुर NH28 ही एकमात्र अब तक साधन था। एक वैकल्पिक मार्ग एक्सप्रेसवे के रूप में जब सर्वे हुआ तो उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने देखने को मिले और खास तौर पर देखेंगे कि लखनऊ से गोरखपुर की दूरी वाया अयोध्या होते हुए देखें या वाया जो हम आजमगढ़ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए देखें, दोनों लगभग बराबर हैं, एकदम बराबर हैं। लेकिन इसमें संभावनाएं ज्यादा हैं, ज्यादा अच्छी संभावनाएं हैं। दूसरा, इस एक्सप्रेसवे में गोरखपुर लिंक में गोरखपुर के अंदर एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा के विकास की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने तेजी से आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई और उससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है सब जारी करते हुए इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। गोरखपुर में आज के दिन पर एम्स अगले वर्ष के प्रारंभ में पूरी तरीके से कार्य करता हुआ दिखाई देगा। 26 वर्ष पहले बंद हो चुके और अब तो मैं कहूंगा 30 वर्ष पहले बंद हो चुका गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना अगले वर्ष तक फिर से कार्य करता हुआ दिखाई देगा। अनेक संभावनाएं वहां पर हैं और उन संभावनाओं के बीच में बैंकों की जो भूमिका है, न केवल अपने बैंक के व्यवसाय को बढ़ाना बल्कि एक कॉमन मैन के लिए भी उन वित्तीय संसाधनों और उन साधनों की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से वह रोजगार और स्वतः रोजगार की उन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है, ये सभी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वहां देखने को मिल सकती हैं। मुझे विश्वास है कि पीएनबी के नेतृत्व में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो एक तरफ गोरखपुर को लिंक मार्ग से एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ेगा, दूसरी ओर वाराणसी को मूल एक्सप्रेसवे जोड़ने का कार्य भी करेगा। पूर्वांचल के दो महत्वपूर्ण शहर वाराणसी और गोरखपुर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे तो पूर्वांचल जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे था, यह एक्सप्रेसवे वहां का विकास का बैकबोन बन सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह किसी भी नागरिक को नहीं है।
और मुझे विश्वास है कि जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो लोग इस बारे में अवश्य महसूस करेंगे कि लीड बैंक के रूप में पीएनबी ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और पीएनबी के साथ साथ यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, इन सभी बैंकों की भी अपनी वहाँ पर भूमिका लोगों के सामने दिखाई देगी। मैं आज के इस अवसर पर गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 750 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति के इस आयोजन पर मैं पीएनबी के अधिकारियों को, सभी अन्य जो बैंकर्स हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश सरकार के साथ विकास की आपकी यात्रा निश्चित ही न केवल मंगलमय होगी बल्कि बैंकर्स के लिए आनंददायी भी होगी। मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।